कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस है, नॉट मिक्सर, मिक्सर नहीं है, ओके? एंड हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये बनते हैं कैसे? जब टू और मोर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। एंड हाउ दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड कि ये एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन कि जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो, नॉट फिजिकली। क्लियर? केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बच्चों एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, उनके मैसेस में जो रेशियो होगी वो फिक्स होगी, वो यूनिवर्सल होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ऐसी चीजों को फिर हम नाम देते हैं कंपाउंड का। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको आप लोग कंपाउंड कहते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटायरली टोटली मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती है अपने एलिमेंट से जिनसे वो मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर बच्चों एक कंपाउंड है, और वाटर एज यू नो आपको पता है कि बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। तो बच्चों आप देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देंगे और एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, जो कि वाटर है। और वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो टोटली इंटायरली मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके मैसेज के दरमियान जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एज यू नो वाटर, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब देखिए एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और 2 का कितना होगा? 2। उसके बाद ऑक्सीजन का मास बच्चों होता है 16। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है? 2:16। अब बच्चों ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं और ये रेशियो आएगी बच्चों 1:8। अब वाटर कहीं पे भी हो, ठीक है, उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो 1:8 होगी। अब कहीं पे भी चले जाएं, वाटर जहां पे भी है उसकी रेशियो यूनिवर्सल होगी, फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट होगी। अब हम कंपाउंड्स की कुछ और एग्जांपल स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ कंपाउंड। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कैसे? जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन हो और उनमें जो रेशो वो कितनी हो? 12:32। अब देखें कार्बन है बच्चों, कार्बन का मास होता है 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो फिर ये हो जाएगी 32। तो रेशो कितनी आई? 12:32। ये फर्दर मजीद सिंप्लीफाई होके 3:8 बन जाती है। ओके, टेबल 1.3, सम कॉमन कंपाउंड्स एंड देयर फॉर्मूली। बच्चों इस टेबल में कुछ कॉमन कंपाउंड, डेली लाइफ में यूज होने वाले कंपाउंड के नेम और साथ में उनके केमिकल फॉर्मूली गिवन है। वाटर का बच्चों फॉर्मूला होता है H2O। सोडियम क्लोराइड बच्चों कहते हैं कॉमन सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को। घरों में आप लोग जो नमक यूज करते हैं ना उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड का फॉर्मूला है ये, और इस SiO2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड? SiO2, और इसका नेम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका एक और नाम भी है, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH।
सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा को कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, अनस्लेक्ड लाइम भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3। शुगर, घरों में आप लोग जो शुगर यूज करते हैं ना उसका फॉर्मूला बच्चों होता है C12H22O11 जिसको आप लोग सुक्रोज कहते हैं, क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 और लास्ट पे है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3।